गुड मॉर्निंग ऑफ यू और आज से एक नया कॉन्टिनेंट अफ्रीका हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहीं से कुछ लोग जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ेंगे थोड़ा सा साइक्लोनिक कंडीशन के कारण साढ़े सात बजे का टाइम था आधा घंटा लेट हुआ है तो आई थिंक आप लोगों ने वेट किया सब लोग अपना अपना एड्रेस निकाल लीजिए और थोड़ा सा चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे प्रदीप यादव संदीप वर्मा यादव जी गुड मॉर्निंग विकास यादव गुड मॉर्निंग बिंदु पटेल गुड मॉर्निंग सोनू यादव गुड मॉर्निंग आशतोष मौर्या गुड मॉर्निंग रमन सिंह गुड मॉर्निंग विकास मौर्या गुड मॉर्निंग मोनू राजभर गुड मॉर्निंग अभिषेकम कुमार गुड मॉर्निंग शिवम तिवारी नमस्कार धीरज तिवारी विकास मौर्या अमित कुमार गुड मॉर्निंग ठीक अतुल गुड मॉर्निंग बिपिन यादव गुड मॉर्निंग तो चलिए आप लोग अपना अपना एटलस निकालिए और आज हम लोग अफ्रीका से स्टार्ट करेंगे और सब था लोग ढंग से जिन लोगों ने पिछली क्लासेस को मिस किया है जैसे उत्तरी अमेरिका हो चाहे दक्षिणी अमेरिका हो मिस कर दिया है कोई बात नहीं वीडियोस पड़ी हुई हैं आप चाहे तो उसको वहाँ से देख सकते हैं और साथ ही साथ यहीं से आप सीरियस होकर के मैपिंग करना शुरू करिए करें। अफ्रीका करेंगे उसी क्रम में हम लोग यूरोप करेंगे फिर एशिया करेंगे और ऑस्ट्रेलिया करके फिर सीधे हम लोग कॉन्सेपचुअल जोग्राफ़ी पढ़ेंगे और जियोमार्फॉलोजी स्टार्ट करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो हम लोग बहुत डिटेल अध्ययन करने वाले हैं इस बार तो सब लोगों ने एटलस निकाल लिया होगा आई थिंक और उसमें अफ्रीका खोलिए अफ्रीका खोलिए तो आज अफ्रीका की कुछ बेसिक बेसिक बातों को सीखा जाए अनिल गुड मॉर्निंग आशुतोष मौर्य गुड मॉर्निंग शिवाकांत यादव गुड मॉर्निंग चलिए आज संख्या दिख रही है कुछ लोग आज हैं पढ़ रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले लिख करके बताइए क्या आप लोगों ने एटलस निकाल लिया एटलस आप लोगों ने खोला अफ्रीका मैप खोलिए उसमें उसमें अफ्रीका देखिए अफ्रीका देखिए आप लोग एटलस खुला या नहीं खुला लिख करके बताइए एटलस जैसे ही खुल जाए वैसे ही आप लोग यस लिख करके बताइए रोहिणी सिंह गुड मॉर्निंग चलिए कुछ लोगों ने एटलस खोल लिया सब लोगों ने खोला सब लोग एटलस निकालिए अपना फटाफट गौरव सिंह यादव जी सर राकेश शुक्ला नमस्कार चलिए आज आज सब लोग जो उसमें लग रहे हैं आज सब लोगों ने एक्लेस निकाला है वेरी गुड बहुत बढ़िया चलिए स्टार्ट करिए और धुआधार मैपिंग करने करना क्या स्टार्ट <coughs> करेंगे धुआधार मैपिंग करेंगे चलिए आप लोग अपनी कॉपी निकालिए और पेन निकालिए याद रखिए जो मार्क करना है उसको जेल पेन से मार्क करिए नहीं है तो से ही करिए और जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आपको देखते हुए चलना है ठीक है इधर उधर नहीं जाना है मैपिंग का पहला नियम ये होता है कि आप जो महाद्वीप है इस महाद्वीप के कोस्टल एरिया को देखें कोस्टल एरिया को देखिए ध्यान से जैसे मान लिया हम यहाँ से कर स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से आपको तटीय क्षेत्रों में चलना है आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना है आप बिल्कुल कोस्टल रीजन में देखते हुए चलिएगा ऐसे ऐसे ओके आपका डायरेक्शन यही होगा इस तरह से तो आपका रास्ता हमने बता दिया आप कहीं मत जाइएगा आज केवल इस किनारे पर हम लोग को चलना है ये हमारा रूट है ठीक है ये रास्ता है बिल्कुल किनारे किनारे हम लोग चलेंगे आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे हम लोग के सिप ले करके, के कॉन्टीनेंट के चारों ओर का हिस्सा देखते हुए जा रहे हैं ठीक है तो सबसे पहली बात गौरव सिंह यादव संदीप वर्मा अमन वर्मा सब लोग आ गए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू चलिए स्टार्ट करिए तो हमें करना ये होगा कि थोड़ा सा इसका बेसिक देखिए अगर हम अफ्रीका के पश्चिम में देखें ये पश्चिमी भाग है तो पश्चिम भाग में आपको जो महासागर दिख रहा है वो अटलांटिक महासागर है कौन सा महासागर है तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर है अटलांटिक महासागर किधर है अफ्रीका के पश्चिम में है वहीं अफ्रीका के पूरब में अगर हम देखें तो ये कौन सा महासागर है तो आप कहेंगे ये इंडियन ओशन है इंडियन ओशन है यानी हिंद महासागर है दिख रहा होगा आपको एटलस में ये हिंद महासागर है वहीं आप उत्तर में देखेंगे उत्तर में देखेंगे तो एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर तो इस तरह से इसको आप देख लीजिए इस तरह से आप देखेंगे एक तरफ आपको पश्चिम में क्या दिखेगा अटलांटिक दिखेगा और उत्तर में इसके भूमध्य सागर दिखेगा अगर हम पूरब में देखें तो पूरब में क्या दिखेगा हिंद महासागर दिखेगा और नीचे जो है वो दक्षिणी महासागर है तो इस प्रकार से ये अफ्रीका जो जलराशियां हैं इन जलराशियों को आपने देखा मोटे मोटा कुछ और हैं जैसे आप देखेंगे रेड सी है कुछ यहाँ खाड़ियों को देखेंगे तो ये सब चीज़ें जब हम आप मैपिंग डिटेल करेंगे तब उसमें सीखना शुरू करेंगे अभी हमने बेसिक बेसिक बताया कि इतनी जल राशियाँ आपको दिख रही हैं ठीक है गुड मॉर्निंग सुरेंद्र सिंह चलिए सब लोग स्टार्ट करिए और हम लोग एक चक्कर लगाते हैं साथ ही साथ हमको लिस्ट बनानी है सबको पी खोल करके लिखते रहना है इंजॉय कीजिए कोई भी सर पर आप बोझ मत लीजिएगा बोझ बिल्कुल ले नहीं लेना है और चलिए हमारे साथ स्टार्ट करिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक यहां पर अपना अड्डा बनाएंगे और यहीं से लगा हुआ एक देश आपको दिखाई देगा जिसका नाम है मोरक्को मोरक्को क्या नाम है मोरक्को तो क्या मोरक्को आप लोगों को मिला अगर मोरक्को मिल गया हो तो यस लिख करके भेजिए राकेश शुक्ला जी सर कोविड रिलीफ बैच में मेरा एडमिशन है ठीक है तो बढ़िया पढ़ते रहिए उसमें जितना भी है उसको पढ़ते रहिए जो अभी बाकी है उसको पूरा कर दिया जाएगा टेंशन मत लीजिए उसमें तो बहुत कुछ हमने दे दिया सचिन पटेल गुड मॉर्निंग चलिए अब मैपिंग स्टार्ट करिए अब मैसेज लिखना बंद करिए अब मैपिंग स्टार्ट करिए और मोरक्को मिला क्या यहाँ पर मोरक्को मिला क्या ये देखिए मोरक्को मिल गया अगर मोरक्को मिल गया तो बताइए कि हाँ मिल गया सर मोरक्को मिला ओके मिला मोरक्को <laughs> तो मोरक्को मिल गया तो अब आपको हमने डायरेक्शन बता ही दिया है दिशा हमने बता दिया है अब आपको ऐसे किनारे किनारे चलना है और जितने भी कोस्टल कंट्री हैं उन कोस्टल कंट्रीज़ को हमें देख लेना है मार्क कर लेना है तो उससे दो फायदा होगा एक तो हम अफ्रीका के बहुत सारे देशों से परिचित हो जाएंगे और साथ ही साथ जो एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय देश नहीं है या तटीय देश है तो वह प्रश्न जो आप करेंगे वह प्रश्न भी यहाँ से आपका तैयार होगा तो चलिए मोरक्को आपने देखा मोरक्को से आगे बढ़िए राइट में तो आपको एक देश मिलेगा अलजेरिया मिला क्या अलजीरिया अल्जीरिया अल्जीरिया मिल गया होगा बड़ा सा देश दिख रहा है अल्जीरिया मिल गया ओके okay. अल्जीरिया से लगा हुआ एक छोटा सा देश आप देख लीजिए और इस देश का नाम है ट्यूनीशिया क्या नाम है ट्यूनीशिया ट्यूनीशिया ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया मिला क्या छोटा सा देश है ट्यूनिशिया और ट्यूनिशिया मिल गया होगा ओके सब लोग खोज रहे हैं सबको मिल रहा है वेरी गुड बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग और ट्यूनिशिया के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो एक देश मिलेगा जिसका नाम है लीबिया 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 मिल गया लीबिया ओके देखते जाइए एकदम फोकस करिए और एकदम एटलस में घुस जाइए एटलस को अपने दिमाग में रखिए कि हाँ हम एक एक स्थानों को खोज रहे हैं देख रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं यात्रा कर रहे हैं अफ्रीका को हम घूम रहे हैं तो आप ऐसे ही इमेजिन करते रहना है आपको सबसे पहले क्या मिला मोरक्को अल्जीरिया लीबिया इंटनीसिया लीबिया इसके बाद आप देखेंगे एक देश मिलेगा इजिप्ट कौन सा देश है तो इजिप्ट है इजिप्ट मिला होगा तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सबसे पहले अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो क्या मिलेगा अगर पश्चिम से चले सबसे पहले मोरक्को है फिर अल्जीरिया है फिर ट्यूनीशिया है फिर लीबिया है और उसके बाद फिर इजिप्ट है तो एक सीक्वेंस बन रहा है या इधर जाइए आप तो इजिप्ट मिलेगा लीबिया मिलेगा ट्यूनीशिया मिलेगा अल्जीरिया मिलेगा और मोरक्को मिलेगा तो एक सीक्वेंस बन जा रहा है ठीक है एक सीक्वेंस बन रहा है कैसा सीक्वेंस बन रहा है देखिए ध्यान से अगर हम कहें कि यहां से एक दीजिए तो ऐसे यहां से क्वेश्चन को क्रिएट कर देगा क्वेश्चन कैसे करेगा कहेगा निम्नलिखित देशों को निम्नलिखित देशों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें तो यह प्रश्न करने के लिए आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रश्न को करने के लिए आपको एटलस देखना पड़ेगा मैपिंग अच्छे से आनी चाहिए कौन सा देश कहाँ पर लोकेट है उसको आपको देखना पड़ेगा तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैपिंग के क्वेश्चन में यहाँ पर आप रट के क्वेश्चन को नहीं कर सकते कि यह देश इधर है फिर उसके बगल में ये है फिर उसके बगल में ये आप रट नहीं सकते आपको बार बार एटलस में देखना पड़ेगा तभी जा कर के इन जो लोकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको बड़े आसानी से आप कर सकते हैं तो सबसे पहले मोरक्को है फिर अल्जीरिया है फिर लीबिया है और इजिप्ट है अब देखिए इनकी जो सीमा है जो ऊपर का हिस्सा है वो किस महासागर से लगा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि ये भैया भूमध्य सागर से लगा हुआ है भूमध्य सागर इनका तट बनाता है ओके <laughs> okay? तो इस तरह से एक सेगमेंट हुआ अब आगे बढ़िए अब आगे बढ़िए आगे बढ़िए तो आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखिए ये एक देश मिलेगा जिसका नाम है सुडान क्या नाम है उड़ान इसको अलग कलर से दिखाएंगे उड़ान मिला सबको उड़ान के बाद एक छोटा सा देश उसी से लगा हुआ है जिसका नाम है इरी ट्रिया। इरी ट्रिया। इरी ट्रिया। इरी ट्रिया। मिला क्या इरिट्रिया मिल गया तो इरिट्रिया देखिए ध्यान से वेरी गुड गौरव सिंह ओके चलिए तो उड़ान और फिर इरिट्रिया अब इरिट्रिया से लगा हुआ अपने एटलस में देखिए एक छोटा सा देश बहुत छोटा सा देश जिबूती है जिबूती डी से लिखा होगा डी डी से डी साइलेंट कर दीजिए जिबूती जिबूती एक छोटा सा देश है मिल गया होगा जिबूती के बाद आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है ये देखिए एक देश मिला आपको सोमालिया चुमारिया मिला चुमालिया शुमारिया मिल गया लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रही है और क्या किया जाए बरसात हो रही है साइक्लोनिक कंडीशन है तो लाइट बहुत दिक्कत कर रही है लेकिन चलिए आप लोग देखते रहिए जब तक चलता है अभी आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है अभी आ जाएगी तो ठीक है और अगर रुक जाएगा तो परेशान मत होइएगा फिर हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ा वेट करके तो आप लोग कहीं जाइएगा मत सोमालिया के नीचे आइए सोमालिया के नीचे आएंगे तो आपको एक देश मिलेगा केन्या कौन सा देश है केन्या केन्या मिला ये इसे नोट करते जाइएगा आप केन्या मिल गया होगा अनुराग यादव गुड मॉर्निंग केनिया मेरा और केनिया के बाद आप देखिए नीचे आप आइए तो एक देश मिलेगा तंजानिया है क्या तंजानिया इधर नोट कर लेते हैं तंजानिया मिल गया होगा तंजानिया के बाद आप देखेंगे एक देश है बड़ा सा है मोजम्बिक मोज़म्बिक 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 मिल गया मोज़म्बिक मिल गया अमित कुमार बी एड टीचिंग गुड मॉर्निंग मोजाम्बिक के बाद इधर देख लीजिए एक आइलैंड दिख रहा है इस आइलैंड का नाम है मेडागास्कर गास्कर मेडागाष्कर मेडा और मेडा के बाद आप देखिएगा एक देश मिलेगा नीचे आइए साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका इतना देश तो आप देखिए सुड़ान से लेकर के ये त, ये पूरा साउथ अफ्रीका तक का जो हिस्सा है इसमें कौन सा शा, महासागर है तो आप कहेंगे ये महासागर आपको लगे हुए दिखाई देंगे हिंद महासागर यानी कि ये सब किससे संबंधित है तो आप कहेंगे ये सब इंडियन ओशन से संबंधित हैं हिंद महासागर से संबंधित है हिंद महासागर तो मेरे साथ एक बार रिकॉल कर लीजिए अच्छे से अपने अटलस में देखिए ध्यान से सबसे पहले मोरक्को सबसे पहले मोरक्को मोरक्को के बाद अल्जीरिया के बाद ट्यूनीशिया ट्यूनीशिया के बाद लीबिया लीबिया के बाद इजिप्ट इजिप्ट के बाद सूडान सूडान के बाद इरीटिया इरीटिया के बाद जिबूती जिबूती के बाद सोमालिया से लगा हुआ केनिया केनिया से लगा हुआ तंजानिया तंजानिया से लगा हुआ मोजम्बिक, मोजाम्बिक के बाद इधर आइलैंड, मेडागास्कर आइलैंड के बाद इधर ये साउथ अफ्रीका इतना आपने देखा अब आप मेमोराइज करिए अनुराग जी सुडान रेड सी से है ठीक है रेड सी है लेकिन कौन सा महासागर है तो वो हिंद महासागर का ही पार्ट है आप उस परेशान ना होइए हम बात करेंगे सी पर ओके तो चलिए एक बार पुनः देख लीजिए अपने एटलस में सबसे पहले मोरक को फिर अलजीरिया ट्यूनीशिया लीबिया इजिप्ट, सूडान एरीटिया जिबूती, शोमालिया, केनिया तंजानिया मोजम्बिक मेडा साउथ अफ्रीका इतना आपको मिल गया आप चलते हैं इधर आप इधर की ओर आइएगा अब ये डायरेक्शन हमारा होगा इस तरह से हम चलेंगे बहुत सारे देश हैं तो इधर आपने नोट कर लिया होगा हम इधर लिस्ट बनाते हैं अब हो सकता है एग्जामिनर जो प्रश्न बनाएगा उन प्रश्नों में ऐसे कर देगा वो कहेगा यहां से एक लिस्ट बनवा देगा ऐसे कोई भी चार देश उसमें से उठा कर रख देगा और कहेगा निम्नलिखित देशों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें या दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करें ऐसा प्रश्न आ सकता है तो आपको घबराना नहीं है अगर आपने एटलस देखा है तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं इजिप्ट सूडान इरिट्रिया जिबूती सोमालिया केनिया तंजानिया मोजाम्बिक साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका इस तरह से आप कर सकते हैं पांडे गुड मॉर्निंग आइए तो अब इस तरह से अब इधर चलेंगे साउथ अफ्रीका से अब इधर हम उत्तर की ओर चलेंगे नॉर्थ की ओर और देखिए एक-एक देशों को बड़े ही प्यार से देखना है आपको देखिए सबसे पहले आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका से उत्तर में जाएंगे तो एक देश मिलेगा जिसका नाम है नामीबिया कौन सा हिस्सा है नामीबिया नामीबिया मिला मिल गया सबको नामीबिया से उत्तर में जाइए तो आपको एक देश मिलेगा अंगोला सब लोग एटलस देखना है प्यार से उधर मच जाइएगा अंगोला अंगोला मिला क्या अंगोला 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 से ऊपर जाइए तो एक देखिए ये बड़ी सी बाउंड्री है अंदर की और बहुत बड़ा हिस्सा है लेकिन में थोड़ा सा हिस्सा इसका है और इस देश का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो लिखा होगा या उसी को कहा जाता है जायरे डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ ठीक या इसी को आप जायरे कह सकते हैं जायरे जेड ए आई आर ई जायरे। तो जब हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के लिए ज़ायरे प्रयोग करेंगे तो आप घबराइएगा मत क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो को ही जायरे कहा जाता है तो एक देखिए जायरे की सीमा थोड़ी सी लगी है बहुत अधिक नहीं लंबी सीमा नहीं है तो थोड़ा सा हिस्सा लगा हुआ है तटीय क्षेत्र से तो इसको देखना है और इस जायरे के बाद आप ऊपर देखेंगे पहले सब एक ही पार्ट था अब अलग अलग हो गया तो यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है कांगो कांगो एक देश मिलेगा कांगो छोटा है कांगो मिलेगा मिला क्या और कांगो के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कांगो से लगा हुआ उत्तर में एक देश है जिसका नाम है गैबॉन गैबन, 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 एक सेकंड थोड़ा सा कॉल है कर ले, चलिए चलने दी फिर आएगा देखते तो गैबन गैबन के बाद आप देखिए एक छोटा सा देश आपको दिखेगा इक्वेटोरियल गिनी लिखा होगा इक्वेटोरियल गिनी है क्या देखिए इक्वेटोरियल सॉरी एक कॉल कर लेता हूं హలో హలో जल्दी चाहिए भाग के <coughs> ओके तो इक्वेटोरियल गिनी पर हम पहुंच गए जी यू आई -E ए इक्वेटोरियल गिनी छोटा सा देश मिलेगा और इक्वेटोरियल गिनी के बाद आपको एक देश मिलेगा थोड़ा सा बड़ा है और इसका नाम है कैमरून 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 ओके और कैमरून से आगे आएंगे तो एक देश मिलेगा जिसका नाम है नाइजीरिया नाइजीरिया सब मिल रहा है ना लिख करके बताते रहिए सब मिल रहा है सब मिल रहा है कि नहीं नाइजीरिया <coughs> नाइजीरिया पहुंच गए अब आराम से ध्यान से देखिएगा नाइजीरिया से लगा हुआ एक पतला सा देश है कौन सा है बेनिन. बेनिन मिला क्या बेनिन बहरिन से लगा हुआ एक देश है टोगो 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 से लगा हुआ एक देश है घाना घाना बोला घाना घाना से लगा हुआ एक देश है जिसका नाम है आइवरी कोस्ट आइवरी कोस्ट आइवरी कोस्ट आइवरी कोस्ट आइवरी कोस्ट से लिखा होगा आगे एक देश मिलेगा जिसका नाम है लाइबेरिया 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 से आगे बढ़ेंगे तो एक देश मिलेगा सियरा लियोन है क्या सियरा लियोन सियरा लियोन सियरा लियोन कुछ नहीं करना है क्या कर रहे सेरा लियोन शियरा लियोन सब मिल रहा है तिर के बाद आपको एक देश मिलेगा गिनी 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 मिला क्या गिनी से लगा हुआ एक देश है गिनी विषाऊ गिनी विषाऊ गिनी विषाऊ गिनी विषाऊ मिल गया माफ करते जाइए सब देशों को गिनी विषाऊ से लगा हुआ एक देश मिलेगा सेनेगल और सेनेगल के भीतर ही एक देश मिलेगा गैम्बिया कौन सा है गैम्बिया लिखा होगा द गैम्बिया तो सेनेगल और फिर इसी के भीतर आप देखेंगे गैम्बिया है सीमा गैम्बिया से ही घिरी हुई है उसी के बीच में है थोड़ा सा हिस्सा तट से लगा है बाकी सब चारों ओर से सेनेगल ही है गैम्बिया के अपने एटलस में देखिए ध्यान से ओके और इसके बाद आपको एक देश मिलेगा बड़ा सा है म्यूरतानिया म्यूरितानिया मारितानिया मारितानिया और मरतानिया के बाद आपको एक देश मिलेगा वेस्टर्न सहारा वेस्टर्न सहारा वेस्टर्न सहारा और वेस्टर्न सहारा से आप फिर पहुंच जाएंगे अपने अड्डे पर जहां से हमने क्या किया था इसको स्टार्ट इस किया था कौन सा मोरक्को मोरक्को तो एक राउंड हुआ या नहीं हुआ कितने लोगों को सारे स्थान मिल गए सारे लोकेशन मिल गए सारे लोकेशन को लोकेट कर लिया कितने लोगों को मिल गया बताइए लिख करके फटाफट कितने लोगों को मिल गया सचिन पटेल मिल गया गौरव सिंह यादव हमेशा स्थान मिल गया सौम्या पटेल गुड मॉर्निंग आपस में कोई विवाद ना कीजिए गौरव जी अपना काम कीजिए ओके सबको मिल गया है तो आप अपने अटलस में देखिए ध्यान से आप अपने अटलस में ध्यान से देखिए और जो जो लोकेशन हम बोल रहे हैं अंशु शर्मा जी जाने दीजिए क्यों आप लोग आपस में बहस कर रहे हैं छोड़िए पढ़ाई करिए आप इधर देखिए ध्यान से देखिए आप अपने एटलस में देखिए कमेंट पे मत जाइए छोड़िए अब एक एक करके हम लोग रिवाइज करेंगे रिकॉल करेंगे आप अपने एटलस को ध्यान से देखेंगे ओके तो वहीं पहुंच जाइए जहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी सबसे पहले मोरक्को को देखिए ध्यान से और उसकी बाउंड्री को भी देखने का प्रयास कीजिए तो देखेंगे एक तरफ वेस्टर्न सहारा है एक तरफ अल्जीरिया लगा हुआ है यानी अल्जीरिया एक और वेस्टर्न सहारा और अल्जीरिया ये दो देश लगे हुए हैं मोरक्को से तो सीमा थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए राजधानी उसकी देख लिया करिए ये सब काम आपको खुद करना है ठीक है तो मोरक्को की सीमा देख लिया आपने अल्जीरिया की सीमा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए किसकी किसकी सीमा लगी हुई है सहारा से है मोरक्को से है मरतानिया से है माली से है नाइजर से है लीबिया से है ट्यूनीसिया से जितने देशों के साथ इसकी सीमा लगी हुई है तो सबको सबको क्या करना है क्लास के बाद जब रिवाइज कीजिएगा तो आप बाउंड्रीज देखने का प्रयास कीजिएगा ठीक है आप कौन कौन से देश किससे लगा हुआ है आप लोग आराम से उसको देखिए इतना रिएक्टिव नहीं होना चाहिए सब लोग रिएक्टिव हो जाते हैं और भाषा ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इसी सब बातों को लेकर के मैं थोड़ा दुखी रहता हूँ कि एक दौर था अगर आप देखेंगे 2017 15 16 से पहले की बात तो जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते थे इतना सौम्यता होती थी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों में इतने प्यार से इतने शांत मन से बोलते थे सब कुछ होती थी बातें लेकिन अब तो मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ इतना एग्रेशन है इतना गुस्सा भरा हुआ है बात बात पे गाली देना बात बात पे आलोचना करना किसी की तारीफ तो कर ही नहीं सकते मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि देखिए अच्छे लोग बहुत कमी हैं और जब कोई अच्छा करे तो अच्छा करने वाले के लिए भी सौ में से नब्बे खड़े हुए हैं उसके खिलाफ उसकी आलोचना करने के लिए दस लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं तो वो दस लोग भी चुप रहते हैं कम से कम जो अच्छा कर रहा है उसके बारे में भी आपको मर चढ़ करके बोलना पड़ेगा तब जा कर के ये समाज सुधरेगा नहीं तो फिर यूपी बिहार की स्थिति तो बहुत ही भयावह है हमारे युवा पता नहीं किस रास्ते पर जा रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल सही कह रहे हैं अंशु शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दुनिया से प्यार ही खत्म हो गया सही कह रहे हैं दुनिया से प्यार खत्म हो गया है और सब अपने में ही मस्त है मदमस्त हैं कोई किसी से कम नहीं सब लोग एकदम क्या कहूं चलिए कोई बात नहीं आप सब हैं आप सब आपस में भाई हैं और प्यार से रहिए कम तो से कम इस परिवार में तो आप लोग अच्छे से रहिए बढ़िया हाँ से पढ़िए तो एक बार रिवाइज हो जाए है ना एक बार रिवाइज हो जाए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक बातें इसकी सिखाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले मोरक्को मोरक्को के बाद अल्जीरिया अल्जीरिया से ट्यूनिशिया ट्यूनिशिया से लीबिया और लीबिया से इजिप्ट एक सिक्वेंस बना ओके और इजिप्ट से नीचे आएंगे शूडान शूडान से इीट्रिया अपने एटलस में देखिए ध्यान से आप एटलस में पेन के नेब वहीं रखते जाइए जो हम बोलते जा रहे हैं तो इजिप्ट की बात सुडान सूडान से इरिट्रिया इरिट्रिया से जिबूती जिबूती से सोमालिया सोमालिया से केनिया केनिया से तंजानिया तंजानिया से मोजम्बिक और मोजम्बिक से फिर आगे बढ़ जाएंगे राइट में थोड़ा देखेंगे तो मेडागास्कर और मेडागास्कर से होते हुए मोजम्बिक आइए मोजम्बिक से नीचे जाइए तो साउथ अफ्रीका है दक्षिण अफ्रीका है ओके तो ये हो गया अब यहाँ तक आपने हमने कहा हिंद महासागर हो गया अब इधर अटलांटिक ओशन है ये पूरा अटलांटिक ओशन से लगा हुआ सब हिस्सा है मोरक्को का हिस्सा अटलांटिक से भी है उमर सागर से भी लगा हुआ है तो अब यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहले नीचे चलिए नीचे से स्टार्ट करेंगे तो नामीबिया अंगोला अंगोला के बाद कौन सा देश मिलेगा तो आप कहेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन आप कांगो या जायरे फिर कांगो फिर गैन इक्वटोरियल गिनी फिर कैमरून और कैमरून से आगे बढ़ेंगे तो नाइजीरिया, बेनिन, टोगो घाना आइवरी कोस्ट लाइबेरिया लियोन ओके लियोन के बाद गिनी गिनी बिछाऊ सेनेगल उसी के भीतर गैम्बिया उसके बाद वेस्टर्न सॉरी मर्तानिया मुरतानिया के बाद वेस्टर्न सहारा तो इस तरह से आपने लोकेशन को क्या किया देख लिया अच्छे से देखा कैमरा ऑफ है क्या सबने लोकेशन देखा अच्छे से लिख करके बताइए चलिए अब कुछ हम कुछ बेसिक बातों को बताएंगे और आप लोग ध्यान से देखिएगा देखिए अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर सर्वाधिक देशों की संख्या है कितने देश हैं अफ्रीका में बताओ हमें देख करके तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है थोड़ा तो लिख लीजिए इसमें लिखिए थोड़ा सा कि अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका <coughs> महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है साथ ही राहुल सिंह गुड मॉर्निंग साथ ही यहाँ साथ ही इस महाद्वीप पर सर्वाधिक देशों की संख्या है या तो सर्वाधिक देश पाए जाते हैं ब्रैकेट में लिखिए फिफ्टी फोर चौवन पाए जाते हैं यह महाद्वीप यह महाद्वीप उत्तर में भूमध्य सागर उत्तर में भूमध्य सागर उत्तर में भूमध्य सागर पश्चिम में अटलांटिक महासागर पूर्व में हिंद महासागर पूर्व में हिंद महासागर लाल सागर लाल सागर से घिरा हुआ है से घिरा हुआ है से घिरा हुआ है साथ ही यह सिनई प्रायद्वीप के माध्यम से सिनई आप नोट कर लीजिए इस पर हम चर्चा करेंगे सिनाई पे प्रायदीव? प्रायदीव. सिनाई पेनेसुला या प्रायदीप सिनाई प्रायदीप साथ ही यह सिनाई प्रायद्वीप से सिनाई प्रायदीप से <coughs> एशिया से एशिया महाद्वीप से जुड़ा है आप देखेंगे कि जो मिस्र है यही सिनाई प्रायद्वीप है और यहीं से आगे आपको मिल जाएगा क्या इसराइल इसराइल की सीमा लगी है ना एशिया महाद्वीप से जुड़ा है जबकि जबकि नोट कर लीजिए केवल अभी सब चर्चा करेंगे हम इस पर जबकि बाबेल मंदेप बाबेल मंदेप जल संधि जबकि बाबेल मंदेप अनीता शाह गुड मॉर्निंग जबकि बाबेल मंदेप जल संधि यहां पर है बाबेल मंदेप जल संधि जबकि बाबेल मंदिर जल संधि के द्वारा यह एशिया से यह एशिया से जबकि जिब्राल्टर जल संधि से मोरक्को के ऊपर है जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप से अलग होता है यूरोप से अलग होता है यूरोप से अलग होता है ठीक है इतनी बातें बेसिक आपको लिखनी थी अब देखिए हमने बार बार चर्चा किया है कि जब आप पृथ्वी पर देखोगे तो एक रेखा तो ये आप जानते हैं परिचित हैं दो कॉन्टिनेंट आपने किया भी है ये विश्वत रेखा है जीरो डिग्री अक्षांश है भूमध्य रेखा है इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में वहीं इस उत्तरी गोलार्ध में आप साढ़े तेईस डिग्री जाएंगे तो साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं कैंसर लाइन साढ़े तेईस डिग्री दक्षिण में जाएंगे आप तो इसी को मकर रेखा कहते हैं साढ़े छा डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो ये आर्कटिक वृत्त होता है आर्कटिक सर्कल ओके तो ये कुछ रेखाएं हैं जिनको आपको महाद्वीपों पर देखनी होती हैं और क्वेश्चन भी यहाँ से छोटे बड़े एग्जामों में आते रहते हैं ममता पांडे गुड मॉर्निंग ये सब आते रहते हैं प्रश्न तो इन रेखाओं को पहले देखा जाए तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा भी गुज़रती है विश्वत रेखा भी गुज़रती है और मकर रेखा भी गुजरती है ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं अब इन तीनों रेखाओं को हमें अच्छे से विधिवत देख लेना है तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे हम रेखा खींचते हैं देखिए ध्यान से एक रेखा हो गई ओके? Okay. अपने एटलस में आप देखिए ध्यान से एक रेखा ये हो गई इसके बाद एक रेखा ये हो गई ठीक है, फिर हम एक रेखा खींचेंगे यहां से तीन रेखा हमने खींचा तीनों को एटलस पर देखिए अपने मैप में देखिए और एक एक को हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर लाइन कर खा कर्क रेखा को अपने अटलस में देखते हुए अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा सबसे पहले आपको मिलेगा वेस्टर्न सहारा वेस्टर्न सहारा मिला वेस्टर्न सहारा के बाद मारितानिया है मारितानिया मारितानिया से आगे बढ़ेंगे तो एक देश है माली माली ब्लैक से लिखते माली माली के बाद आपको मिलेगा अलजीरिया 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 से आगे बढ़ेंगे तो लीबिया कौन सा है लीबिया और लीबिया से आगे बढ़ेंगे तो इजिप्ट इजिप्ट इतने देशों से तो गुजर रही है अब इसमें दो देश देखिए एक यहाँ पर नाइजर है और यहाँ पर एक है चार्ड ये दो देशों दो देशों का जो ऊपर का जो नोक है दिखाई देगा आपको उससे ये रेखा टच कर रही है क्या कर रही है इसको स्पर्श कर रही है टच कर रही है तो हम कह सकते हैं कि दो देश ऐसे हैं कौन कौन सा एक है नाइजर और एक है चार्ड इन दो देशों से गुजर नहीं रही है इनको क्या कर रही है कर्क रेखा स्पर्श कर रही है स्पर्श करती है करते। अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है पहले तो आप देखिए कौन कौन से देश गुजर रही है तो मेरिटानिया, माली अल्जीरिया लीबिया इजिप्ट इतने देशों से होकर के कर्क रेखा अफ्रीका में पास होती है हमने कहा नाइजर और चार्ड को स्पर्श करती है अब यहां पर प्रश्न उठता है कि कैसे हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा मान लिया पूछा कि अफ्रीका में कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है अफ्रीका में कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है देखिए ध्यान से ऑप्शन में दे दिया मान लिया लीबिया इजिप्ट नाइजर अलजीरिया ये चार ऑप्शन आ गया यानी अलजीरिया लीबिया इजिप्ट और नाइजर ये चार ऑप्शन हैं तब ऐसे में आप नाइज़र को क्या कर देंगे बाहर कर देंगे तब नाइजर से आप मान लेंगे कि नहीं गुजरती है आप मान लिया इसी में ऑप्शन में चेंज कर दें कह दें कि निम्नलिखित में से अफ्रीका से कौन अफ्रीका में कौन सा देश ऐसा है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है और ऑप्शन में दे दे लीबिया, इजिप्ट, नाइज़र सूडान अब ये चार ऑप्शन आ गया यानी कि लीबिया, इजिप्ट, नाइज़र और सूडान चार ऑप्शन आ गया तब ऐसे में आप क्या करेंगे तब नाइज़र से आप मान लेंगे गुज़र रही है और सूडान को क्या करेंगे तब बाहर करेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर इसको आप बाहर भी कर लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आप इसको मान भी लेंगे कि यहाँ से गुज़रती है इस चीज को आपको जानते रहना है ये कर्क रेखा का यह हो गया ठीक है अब आप देखिए मकर रेखा सॉरी विश्वत रेखा तो ये जीरो डिग्री अक्षांश है या इसी को आप कहते हैं रेखा यहां से गुजरती है तो अब इसमें कौन कौन से देश हैं आप देखिए ध्यान से यानी कि अगर हम कहें भूमध्य सागर या भूमध भूमध सागर नहीं रेखा या इसी को कहते हैं विश्वत रेखा इक्वेटर तो अब इक्वेटर से कौन कौन से देश गुजरते हैं या इक्वेटर किन किन देशों से गुजरती है देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा गैबन 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 के बाद एक देश मिलेगा कांगो अपने एटलस में देखते रहिएगा कांगो के बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो या जायरे कहते हैं उसको जायरे हम लिख दे रहे हैं जायरे के बाद आपको एक देश मिलेगा युगांडा युगांडा से आगे बढ़ेंगे तो एक देश मिलेगा केनिया और केनिया के आगे बढ़ेंगे तो आपको एक देश मिलेगा सोमालिया ओके गैबेन कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया सोमालिया मेरा क्या कितने लोगों को मिल गया बताइए लिख करके मनीष शर्मा मिल गया बिंदु पटेल हमें सुरेंद्र मिशिंग मिल गया सबको मिल गया ठीक है वेरी गुड वेरी गुड अनुराग यादव चलो सबको मिल गया तो इसवत रेखा गैबन कांगो जायरे, युगांडा। आज देखिए आज हम बेसिक करा रहे हैं इसका तो आप लोग घबराइए मत, बेसिक बेसिक बातें कर दीजिए फिर उसके बाद जो मेन मैपिंग शुरू होगी हो कल अफ्रीका का करेंगे खोजेंगे इसमें प्राकृतिक राजनीतिक सब कुछ देखेंगे तो गैबन कांगो जायरे युगांडा केनिया और सोमालिया कितने देशों से होकर के विश्वत रेखा गुजरती है देखिए ध्यान दीजिएगा आपको एक बात बोल के जा रहा हूं कि कभी भी ज्योग्राफी में ट्रिक अप्लाई मत करिएगा अगर ज्योग्राफी में आप ट्रिक अप्लाई करेंगे कभी भी जो तो सड़क छाप किताबें होती हैं भूगोल विशेषज्ञ वो सब आपके लिए घातक है आपको मेहनत करना है और जैसे मान लिया कोई फार्मूला अगर मिल जाए आपको कि अफ्रीका से कौन कौन से देश से रेखा गुजरती है तो अब इसको आप फार्मूला से याद करेंगे तो वो आपके लिए घातक होगा प्रश्न कहाँ से कैसे पूछेगा कोई भरोसा नहीं है हम ये कहेंगे कि जो विश्व रेखा पर देश हैं उन देशों को आप देखिए बार बार एटलस में आप एटल्स में बार बार देखते जाइए बार बार देखते जाइए आप प्रैक्टिस करिए आउटलाइन मैप का प्रयोग करिए फिर क्या होगा तो आप देशों की सीमा को देख लेंगे कौन किससे लगा हुआ है कौन क्या क्या है पता नहीं क्या क्या उसमें से यहाँ से उठा करके पूछेगा तो बार बार देख करके ही अप्लाई करिए और मेरा मानना है जब कई बार आप देखेंगे तीस बार चालीस बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे उसको देखेंगे तो आपने आप वो रेखा आपको दिखाई देगी कि किन किन देशों से पास हो रही है तो इस बात को याद रखिएगा और कोई ट्रिक इस पर अप्लाई मत करिएगा ओके आइए आते हैं मकर रेखा पर तो ये आपकी कौन सी रेखा है मकर रेखा है ठीक है तो मकर रेखा को देखते हैं कहां कहां से क्या क्या हो रहा है कैप्रीकॉर्न लाइन या इसको आप कह दीजिए मकर रेखा सबसे पहले आपको मिलेगा नामीबिया देश नामी है नामीबिया आप परिचित भी हैं नामीबिया नामीबिया के बाद एक देश मिलेगा आपको बोत्सवाना 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 के बाद मिलेगा आपको एक देश दक्षिण अफ्रीका देखिए है ना ये दक्षिण अफ्रीका से लगा साउथ अफ्रीका अफ्रीका के बाद आपको मिलेगा मोजांबिक मोजाम्बिक के बाद आपको मिलेगा मैडागास्कर आइलैंड मैडागास्कर आइलैंड <coughs> राहुल यादव गुड मॉर्निंग तो मकर रेखा कहाँ कहाँ से है नामीबिया बोस्वाना देखिए एटलस में बोस्टवाना साउथ अफ्रीका मोज़म्बिक, मेडागास्कर यह छांसी रेखाओं का प्रेजेंटेशन हो गया फिर से एक बार देख लीजिए रिकॉल करिए अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो वेस्टर्न सहारा मेरुतानिया माली अल्जीरिया, लीबिया इजिप्ट और नाइजर चार्ट को स्पर्श करती है ओके अगर हम विश्वत रेखा की बात करें तो गैबन कांगो जायरे युगांडा केनिया शुमारिया इतने देश हो गए फिर अगर मकर रेखा की बात करें तो नामीबिया बोज साउथ अफ्रीका मोजम्बिक और मेडागास्कर इतने देशों से गुजरती है अब यहाँ पर एक देशांतर रेखा को भी हमें देखना है देशांतर रेखा क्या होती है रेखाओं पर एक बेहद चर्चा होगी जब हम पढ़ाएंगे आपको क्लामटोलॉजी तो वहाँ पर हम आएंगे तब रेखाओं के बारे में पुनः चर्चा करेंगे एक एक रेखा को डिफाइन करेंगे तो आपको घबराना नहीं है अभी नहीं है लोकेशन पर पे पे काम कर रहे हैं इसलिए घबराना नहीं है अब आप देखिएगा तो यहां से एक रेखा खींच दीजिए को तो आप कह दीजिए कि ये जीरो डिग्री देशांतर है और इसी को कहा जाता है जी एम टी ग्रीन बीच मीन टाइम पूरे दुनिया का टाइम जो निर्धारित होता है वो इसी से निर्धारित होता है ये ध्यान रखिएगा तो इस रेखा को भी हमें जानना है अब आप बताइए कि जी एम टी या जीरो डिग्री देशांतर रेखा इसी को प्रधान यामोत्तर भी कहा जाता है तो आप चाहे इस इसके लिए प्रधान यामोत्तर शब्द हो यामोत्तर या इसी को जीरो डिग्री देशांतर लिखा हो या इसी को जीएमटी लिखा हो सबका मतलब एक ही है अब इसमें कौन कौन से देश हैं तो आप कहेंगे एक तो भैया अल्जीरिया है एक इसमें माली है एक इसमें बरकिना फांसो है बरकिना फासो एक इसमें घाना है और टोगो को स्पर्श करती है टोगो को स्पर्श करती है गुड मॉर्निंग तो कौन कौन से देशों से जीएमटी गुजरती है अल्जीरिया माली बरकिना फांसो घाना ठीक और टोगो को स्पर्श करते है अब आप ये बताइए आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा कहेगा कर्क रेखा और जीएमटी एक दूसरे को कहाँ काटते हैं किस देश में काटते हैं तो आप कहेंगे ये भैया अल्जीरिया है यानी कि जीएमटी और कर्क रेखा एक दूसरे को किस देश में काटते हैं आप कहेंगे अल्जीरिया में काटते हैं अब ये तो हो गया कर्क रेखा और जीएमटी का लेकिन ये देखिए ये देखिए ये जीरो डिग्री देशांतर ये जीरो डिग्री अच्छांश जीरो डिग्री देशांतर जीरो डिग्री अच्छांश या जी एम टी और विश्वत रेखा रहा यहामोत्तर कहिए या, या भूमध्य रेखा कहिए ये कहाँ काटती है एक दूसरे को तो ये देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये जो खाड़ी है यहाँ पर एक सब चर्चा करेंगे दोबारा फिर हम ये खाड़ी है जिसका नाम है गिनी की खाड़ी तो जी और इक्वेटर या जीरो डिग्री देशांतर या जीरो डिग्री अच्छांग एक दूसरे को अटलांटिक महासागर की गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को काटते हैं गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को काटते हैं ये ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है आपको तो ये हमने रेखाओं का अध्ययन कराया अब आपको एक काम करना है जो जो लोकेशन हमने कराई है उन लोकेशन को अपने एटलस में देखना है आपको दोबारा तो जो स्थान हम बोलेंगे उन स्थानों को आपको क्या करना है देखते जाना है अपनी पेन उठाइए पेन की निब उसी जगह पर रखते जाइए जो जो हम बोलते जाएंगे तो एक बार रिवाइज पूरा आपको करवा देते हैं ओके तो सबसे पहले हमने क्या किया देशों को देखा बाउंड्रीज देखा जो जलीय भाग से लगे हुए हैं और सबसे पहले हमने मोरक्को देखा फिर अल्जीरिया देखा ट्यूनीसिया देखा लीबिया देखा इजिप्ट देखा इनको आप देखते जाइए फटाफट इज, इजिप्ट के बाद सूडान सूडान के बाद इरिट्रिया इरिट्रिया के बाद जिबूती जिबूती के बाद सोमालिया सोमालिया के बाद केनिया केनिया के बाद तंजानिया तंजानिया के बाद मोजम्बिक मोजम्बिक से आप राइट में देखेंगे तो मेडागास्कर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका फिर इधर आएंगे तो नामीबिया अंगोला है फिर जायरे है जायरे है कांगो है कैबिन है इक्वेटोरियल गिनी या विश्वतीय गिनी है कैबिन है ओके फिर कैमरून है और कैमरून के बाद विश्वतीय गिनी के बाद कैमरून के और कैमरून से आप जाएंगे तो बेनिन है टोगो है घाना है आइवरी कोस्ट लाइबेरिया है सेरा लियोन है फिर गिनी है गिनी विषाऊ है ओके गिनी विषाऊ है फिर शनिगल उसी के बीच में गैम्बिया फिर आप चले जाएंगे आगे मरतानिया मरतानिया से वेस्टर्न सहारा और वेस्टर्न सहारा से मोरपो ये पूरा एक कोस्टल लाइन हमने आपको बताई इसके बाद हमने रेखाओं के बारे में बताया और रेखाओं में कर्क रेखा वेस्टर्न सहारा मर्तानिया माली अलजीरिया लीबिया और इजिप्ट से होके गुजरती है जबकि नाइजर चार्ड को स्पर्श करती है वहीं बिस्वत रेखा को बात देखेंगे तो गैन कांगो जायरे, युगांडा, केनिया और सोमालिया से होके गुजरती है ओके और अगर मकर रेखा की बात करेंगे तो नामीबिया, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका मोजम्बिक और मेडागास्कर से होके गुजरती है वहीं अगर हम जीएमटी की बात करें तो सबसे पहले अल्जीरिया माली बर्खिना फांसो घाना टोग को स्पर्श करती है तो ये इतनी बातों को हमने बताया आपको ठीक है नाइजीरिया छूट गया होगा हाँ कैमरून के बाद नाइजीरिया नाइजीरिया के बाद बैन ओके ठीक है तो इतनी बातें हमने बताई आपको और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको आ, बड़ी ही इंट्रोडक्टरी लगी होगी इंट्रोडक्टरी ही थी मेन मैपिंग तो कल करेंगे कल हम झील पढ़ाएंगे इसके पर्वतों को बताएंगे तो कल की क्लास आप मिस मत करिएगा और uh, मैं बता दूं जिन लोगों को सीरियसली क्लास करना है हमने बताया था कि ये ये पाँच महीने का कोर्स होगा साढ़े चार पाँच महीने का कोर्स होगा और जीएस के लिए आपको कुछ नहीं करना है चाहे फ्री हो और चाहे वो मेंस हो दोनों के लिए जीएस के लिए क्लास है और ये किसान एकेडमी ऐप पर मिलेगी आपको तो किसान एकेडमी ऐप पर जाइए और वहाँ से आप इसको ले लीजिए बहुत ही नामनल शुल्क पे ये क्लास दी जा रही है और मेरा मानना है कि इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए कम से कम इसमें क्लास करिए और घर बैठे यकीन मानिए कि ऑफलाइन से भी बेहतर आपको हम करके देंगे आप इसके लिए निश्चिंत रहिए सब लोग जुड़ जाइए और कल केवल अफ्रीका की क्लास ये पब्लिक रहेगी कल यूट्यूब पे रहेगी कल सब लोग रहिएगा टाइमिंग वही रहेगी साढ़े सात बजे और उसके बाद फिर ये किसान एकेडमी ऐप पर ही चलेगा क्लास तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा सब लोग जुड़े किसान एकेडमी ऐप पर आकर के इस कोर्स से थैंक यू और खूब मन लगा के पढ़िए शांत रहिए अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए और कोरोना महामारी जो है ये वास्तव में इसका पूरा जो स्वरूप है पूरा विभत्स हो गया है बहुत मौतें हुई हैं और ए... क्या कहूँ हम सब लोग उसी से उभरे हैं और आप लोग भी ध्यान रखिए कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है जो लोग मजाक में लेते हैं इसको तो वो इस बात को समझें कि इतना हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं ठीक है तो पढ़ाई भी करनी है और महामारी से ही बचना है दोनों चीज़ों को करना है चैलेंजिंग है और परीक्षाएं तो अपने टाइम पर होंगी अभी तो चल गई हैं एग्जाम लेकिन जैसे ही स्लॉट मिला हल्का सा कोरोना डाउन पड़ेगा वैसे ही परीक्षाएं होना शुरू हो तो तैयारी तो आपकी होनी चाहिए तो चलिए मिलते हैं कल साढ़े सात बजे और अपने साथियों को बताइएगा सबको बताइए कि सब लोग जुड़े और पढ़ें आराम से ठीक है तो मिलते हैं कल फिर थैंक यू बाय बाय